मैक्स वर्दाइमर को पढ़ने के बाद आज हम लोग उसके आगे जो दो और गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं कोहलर और कुफ्का, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये वर्दाइमर के को फाउंडर थे और इनके प्रयोगों में इन्होंने सब्जेक्ट का काम भी किया था। आज हम लोग कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जो मैक्स वर्दाइमर के को फाउंडर रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या उनका योगदान रहा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। तो 1887 में इनका जन्म हुआ और 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। ये एस्टोनिया के रहने वाले थे और ये एक साइकोलॉजिस्ट और फेनोमेनोलॉजिस्ट थे और फाउंडर गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट में दूसरा को फाउंडर के रूप में इनका नाम जाता है। इनका फोकस पॉइंट था इनसाइट, यानी कि सूझ के द्वारा सीखना, लर्निंग। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए किंतु इनसाइट थ्योरी सूझ का जो इन्होंने मनुष्य पर किया था वो ज़्यादा फोकस में रहा और उसके कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली और ये काफ़ी योगदान दे पाए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। इन्होंने अपना पीएचडी बर्लिन यूनिवर्सिटी से किया 1909 में और 1913 में ये मैक्स वर्दाइमर से मिले और उसके बाद इन्होंने फ्रैंकफर्ट को छोड़ दिया। फ्रैंकफर्ट में ही ये वर्दाइमर से मिले थे क्योंकि वर्दाइमर वहीं पर थे, फ्रैंकफर्ट में ही। बाद में इन्हें टेनरिफ आइलैंड पर नियुक्त किया गया किंतु मानवाकार के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण वहाँ पर उन्हें बहुत दिनों तक रहना पड़ा और इसी समय का उन्होंने लाभ उठाया और वहाँ पर चिंपैंजी, बंदर और चिक्स वगैरह पर कई एक उन्होंने अध्ययन किए, जिसमें चिंपैंजी पर अध्ययन उनका काफ़ी लोकप्रिय रहा। उन्होंने उसका नाम सुल्तान दिया और उन्होंने मुख्य रूप से दो प्रयोग किए, एक है छड़ी समस्या और दूसरी बॉक्स संबंधी समस्या। आप पहले भी इसे परसेप्शन के चैप्टर में इसे पढ़ चुके हैं कि कैसे बनमानुष को या एप्स को बंद कर दिया गया पिंजरे में, बड़े से पिंजरे में, और वहाँ पर दो अलग अलग छड़ियाँ रखी थी और उसके पिंजरे के बाहर केला रखा हुआ था और चिंपैंजी काफ़ी भूखा था, उसे केला चाहिए था, लेकिन वो बार बार एक एक छड़ी से निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन छड़ी छोटी थी और केले तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन बाद में फिर जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो वो दोनों छड़ियों से खेलने लगा और खेलते खेलते वो छड़ी अचानक से जुड़ गई, एक हुक से दूसरे हुक में जुड़ गई और जैसे ही वो छड़ी जुड़ी उसे अचानक से सूझा कि अब ये छड़ी लंबी हो गई है, अब मैं केले को ले सकता हूँ, और वो बिना समय गंवाए सीधे उस छड़ी को पिंजरे के बाहर कर करके और उसने केला खा लिया। तो इस घटना से कोहलर ने यह देखा टेनरिफ आइलैंड पर कि उनमें भी सूझ होती है। देखिए नीचे, ही फाउंड दैट एनिमल्स ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट, पशु भी विभेद करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं और रिलेशनशिप बनाते हैं स्टिमुलस के बीच में, तो उनमें विभेद की शक्ति होती है, डिस्क्रिमिनेशन की शक्ति होती है, उनमें संबंधों को जानने की शक्ति होती है, तो इसीलिए इन्होंने सूझ को महत्व दिया। और इनका कहना था कि ट्रायल एंड एरर से, यानी प्रयास और त्रुटि से हम नहीं सीखते हैं बल्कि हम सूझ के द्वारा सीखते हैं, या लर्निंग जो होती है वो
सूज के द्वारा होती है। इनके अनुसार परसेप्शन जो होता है वह रिलेशनशिप, यदि कोई प्राणी किसी भी परसेप्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच या स्टिमुलस के बीच दिखाता है तो ये प्रूफ करता है कि उनमें भी इंटेलिजेंस होता है, यानी एनिमल्स में भी बुद्धि होती है। इसी बात को इन्होंने यहाँ पर अपने शब्दों में लिखा है कि परसेप्शन बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज प्रूफ ऑफ द इंटेलिजेंस इन एनिमल्स, यानी कि जो परसेप्शन एनिमल्स करते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं और उनके बीच में वे डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, विभेद कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पशुओं में भी इंटेलिजेंस और बुद्धि होता है। वे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं या किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं। इसी प्रकार से कोहलर ने एक और प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने एप्स को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और छत पर काफ़ी ऊंचाई पर केला लटका हुआ था। उसे भूख लगी थी और वो केला खाना था, उसे केला खाना था, किंतु वो बार बार उछल कूद कर रहा था, उसके बावजूद उसे केला नहीं मिल पा रहा था। उसके अंदर यानी बॉक्स जो पिंजरे के अंदर जहाँ वो था वहाँ कई एक बॉक्स रखे हुए थे। धीरे धीरे वो कुछ नहीं उसको सूझा, कुछ नहीं पता चला, तो वो उन बॉक्स से इधर उधर करने या अर्थात खेलने लगा। उसने इसी खेल खेल में एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स पर रखा और अचानक उसे सूझा कि अब वो केला ले सकता है। उसने फटाफट अपना उस दोनों बॉक्स को उठाया, केला के ठीक नीचे दोनों बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा, उस पर चढ़ा और उसने केला खा लिया। तो ये जो उनका दूसरा प्रयोग था ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी उनके थ्योरी को, उनकी बात को समझाने वाला था। और इससे ये पता चला कि वनमानुष में सूझ होती है और इस सूझ का उपयोग करके वो अपनी समस्याओं का समाधान करता है या किसी भी चीज़ को लर्न करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इसी सडन परसेप्शन को उन्होंने इनसाइट का नाम दिया। और उन्होंने कहा, फिर से अपनी बात को उन्होंने प्रूफ किया कि प्राणी या जो जीव होते हैं वे इनसाइट के द्वारा सीखते हैं, विशेष करके वैसे जीव या वैसे प्राणी जो हायर लेवल के होते हैं, जिनकी बुद्धि क्षमता अधिक होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने एप्स पर, वनमानुष पर अध्ययन करके अपनी बात को सिद्ध किया कि इनसाइट से के द्वारा लर्निंग होती है। और उन्होंने अपनी बुक द मेंटेलिटी ऑफ एप्स में उन्होंने इस बात को डिटेल यानी विस्तार से जिक्र किया और अपनी बात को सिद्ध किया। अब हम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के तीसरे पिलर या को फाउंडर कोफ्का के बारे में जानते हैं, जिनका जन्म 1886 में हुआ और इनकी मृत्यु 1941 में हुई। ये बर्लिन में जन्मे थे और ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इनका भी नाम जुड़ा। ये तीन लोग जो साथ में काम करते थे उसमें कोफ्का भी बाद में आकर मर्दाइमर से और कोहलर से जुड़े। ये भी लर्निंग थ्योरिस्ट थे और लर्निंग में ही इनका काम रहा है। ये इन्होंने रिदिम पर अपना पीएचडी किया था और अपने कैरियर की शुरुआत की थी। जैसा कि हम पिछले स्लाइड में भी देख चुके हैं कि कोफ्का ने बर्लिन यूनिवर्सिटी से 1909 में अपना पीएचडी कंप्लीट किया और वे उसके ठीक एक साल बाद 1910 में फ्रैंकफर्ट में वर्दाइमर से मिले। वर्दाइमर से मिलने के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, चूँकि सारे लर्निंग थ्योरिस्ट थे इसलिए एक दूसरे के विचार मिलते थे और वे साथ में मिलकर काम करने लगे। तो कोहलर, कोफ्का और वर्दाइमर ये तीनों एक साथ अब हो गए। कोहलर, कोफ्का और वर्दाइमर ये तीनों फ्रैंकफर्ट में मिले
और मिलने के बाद ये साथ साथ काम करने लगे विथ गुड कोऑपरेशन। गुड कोऑपरेशन से मतलब है कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए वे अपने अपने प्रयोग को, अपने अपने सिद्धांत को एक दूसरे में मर्ज करते हुए उन्होंने ये गेस्टाल्ट सिद्धांत को बनाया। अब इन लोगों ने इतने सारे प्रयोग किए थे, इतने सारे काम किए थे, इतने सारे शोध किए थे, तो इन्होंने चाहा कि इसे हम समराइज करें, यानी जितने इनके रिसर्च थे, जितने इनके प्रयोग थे, सब का इन्होंने चाहा कि वो सारांश बना लें, और सारांश बना करके वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को एक थ्योरी के रूप में दें। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को उनकी इच्छा थी कि वे एक थ्योरी के रूप में दुनिया के सामने रखें। इसीलिए वर्दाइमर और कोहलर ने उन्हें यानी कोफ्का को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ये भार दिया, ये जिम्मेदारी दी कि जो अमेरिका से पब्लिश होता है एक साइकोलॉजिकल बुलेटिन, इसमें वे इन सारी बातों को, सारे प्रयोगों को लिखते हुए एक उसको समराइज करते हुए एक उस बुलेटिन में इसे निकालें, इसे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि अभी तक सभी मिलकर के प्रयोग कर रहे थे, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना कर रहे थे, एज अ होल की व्याख्या कर रहे थे, संपूर्ण की व्याख्या कर रहे थे। अब उनको दुनिया के सामने लाने, लोगों की नज़र में अपने प्रयोग को लाना भी जरूरी था। यदि नहीं लाया जाए तो सारा, यदि लोगों की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में अपनी बातों को, अपने काम को, अपने रिसर्चर्स को नहीं लाया जाए तो उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाता है, वो एक सीमित दायरे में ही रह जाता है। इसलिए इस बड़े काम की जिम्मेदारी कोफ्का को दी गई। अमेरिका के उस साइकोलॉजिकल बुलेटिन में अपने सिद्धांतों की समरी लिखने के बाद उन्होंने अपने सारे रिसर्चेज जो थे उन्हें 1922 में उन्होंने अपने बुक परसेप्शन एंड इंट्रोडक्शन टू गेस्टाल्ट थ्योरी में काफ़ी विस्तार से लिखा और सारे चीज़ों को कोट किया, सारे एक्सपेरिमेंट्स को उसमें कोट किया गया। और इस रिसर्च पेपर में उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट को डाला जो वो तीनों साइकोलॉजिस्ट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने किया था। बाद में फिर उन्होंने और भी किताबें लिखी, जो भी काम उन लोगों ने किया था उसमें डेवलपमेंट चाइल्ड साइकोलॉजी और प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पर भी उन्होंने एक किताब निकाली और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मुख्य रूप से क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर बेस होकर, प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यानी किस सिद्धांत पर बेस होकर के, बेस कर करके उन्होंने इस थ्योरी को, इस स्कूल को, इस साइकोलॉजी को बनाया, इसकी विस्तार से व्याख्या की। और इस तरह से हम लोगों ने अब तक तीनों मुख्य मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, जिसमें मैक्स वर्दाइमर फाउंडर थे, कोहलर और कोफ्का उनके को फाउंडर थे और वो प्रयोज्य के रूप में भी काम किए। इनका अपना भी खुद का लर्निंग बेस्ड बहुत सारे काम थे, बहुत सारे शोध थे, बहुत सारे प्रयोग थे, और तीनों ने मिलकर के इस तरह से दुनिया को एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा प्रिंसिपल, एक अच्छा लर्निंग का थ्योरी दिया, जिसको इनसाइट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी सूझ के सिद्धांत से भी जाना जाता है। इस तरह से हमने देखा कि कैसे इन तीनों ने, वर्दाइमर, कोहलर और कोफ्का ने मिलकर एक नए सिद्धांत को जन्म दिया, जो लर्निंग को समझने में, शिक्षण को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, का काफ़ी योगदान रहा और सीखने को या लर्निंग को एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत पड़ी।